नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। गांव भागल में आज परिवर्तन रथ यात्रा लेकर श्री अवैध सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसको सभी मानते हैं कि लगभग समाप्त हो चुकी है, तो उसी पार्टी को दोबारा फिर से जान लेने के लिए, जिंदा करने के लिए भाई अवैध सिंह चौटाला जी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकले हैं, जो पूरे हरियाणा का भ्रमण करेंगे। तो गांव भागल में भाई अवैध सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं और गांव भागल के युवाओं के द्वारा भाई अवैध सिंह चौटाला का भव्य स्वागत आप देख सकते हो। किस तरह से सुंदर सुंदर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों से उनके काफिले का जो है, और हमारे अवैध सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं गांव भागल के द्वारा भाई अवैध सिंह चौटाला का भव्य स्वागत। भाई अवैध सिंह चौटाला गांव भागल में पहुंच चुके हैं, युवाओं ने पूरे जोश के साथ परिवर्तन रथ यात्रा गांव भागल में गांव के युवाओं के द्वारा भाई अवैध सिंह चौटाला का भव्य स्वागत। आप व्यवस्था और जो स्टेज पे भी भाई ज्यादा खड़े हैं, सामने आओगे भाई साहब आपको देख लेंगे, आपकी हाजिरी सामने ज्यादा लगेगी। सारे मंच पर बैठे होगे, खड़े होगे, आपकी मंच की व्यवस्था भी ठीक नहीं रहेगी। आदरणीय राजा राम माजरा जी, परम आदरणीय खेल रतन हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले शेरे दिल हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अवैध सिंह जी चौटाला, उनके साथ में पूर्व मंत्री श्याम सिंह जी राणा, सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आज की परिवर्तन यात्रा का कैथल जिला की इकाई की तरफ से सभी के साथ मिलकर के यहाँ पहुंचने पर चौधरी अवैध सिंह चौटाला का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि गुला हल्का के जो कार्यकर्ता ने, गुला हल्का की पूरी इकाई ने, जो नौजवान साथियों ने आज ये 7 दिन लगातार मेहनत करके सफलता हासिल की है, इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, मैं आप लोगों का भी यहाँ पर सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं
आप लोगों को इस बात का अजय सिंह जी चौटाला को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गुला हल्का नी कैथल जिला ही सदा ही चौधरी देवीलाल के साथ रहा है और आज भी सारा कैथल जिला आपकी पीठ के पीछे है, आपके साथ खड़ा है। हम विश्वास दिलाते हैं कि गुला हल्का की जनता सदा ही चौधरी देवीलाल की ऋणी रही है और आज भी आपके साथ है। मैं एक बार फिर यहाँ पहुंचने पर अजय सिंह चौटाला का यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष आदरणीय राजाराम माजरा जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा बलकार सिंह बल्लू, राजीव हरिगढ़, दौलतराम गुजर, बग्गा बैंस, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी का वो सम्मान करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा श्री श्याम सिंह राणा जी मंच पर आए और अपनी बात रखेंगे। ये साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय पूर्व में रहे संसदीय सचिव हरियाणा सरकार श्री श्याम सिंह राणा जी वो मंच पर आए और अपने मुखारविंद से आज के अभय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और वर्तमान में जो ये सेशन है 5 साल का, इसमें 2 बार MLA बने, वैसे ये रिकॉर्ड है। वैसे तो हर आदमी 1 बार बनता है जो चुनाव लड़ता है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 2 बार विधायक बने। लेकिन इस 2 बार बनने के पीछे साथियों क्या कारण था? इस देश के अंदर एक एजिटेशन चला था किसानों का, और साथियों वो एजिटेशन किस बात पे? 3 कृषि कानून पे। ये 3 कृषि कानून जो थे, वास्तव में साथियों समझना पड़ेगा ये बनाए किसने थे। और साथियों ये बनाए थे कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपको डेट बताता हूं, 6 दिसंबर 2012। आप जो नौजवान साथी अपने मोबाइल से ये बोल के लोकसभा की प्रोसीडिंग निकाल लें और उस प्रोसीडिंग के अंदर कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुनिए आप। उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी उस समय सांसद थे रोहतक से, वो भाषण देते आपको सुनेंगे और वो बोल रहे हैं भाई ये 3 कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, इनको पास कराओ सब मिलकर, और जिस टाइम ये पास हो जाएंगे आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। ये बात दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं। अब साथियों भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थे, बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी। सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति अगर कोई सवाल बोलता है उसका जवाब विपक्ष का नेता देता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और उसमें बहन सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी, भाई आप किसान परिवार में पैदा हुए हैं, आपको खेती बाड़ी के बारे में सारे सोचते हैं भाई पूरा ज्ञान है, पर लेकिन जो आज लोकसभा में बोले आपके ज्ञान पे तो वारे वारे जाए, कभी भी आलू की लंबाई 2 फुट नहीं हो सकती। ये बात कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। लेकिन साथियों उस समय ये कानून पास नहीं हो पाया था, उसका भी एक कारण था, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उसका कारण था देश के अंदर 36 राज्य थे, 8 राज्य केंद्र शासित थे, अब तो 37 हैं, उस समय 36 थे, 8 केंद्र शासित, मतलब जैसे चंडीगढ़ पांडेचेरी उसमें मुख्यमंत्री नहीं होता, और 28 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, 28 में से 18 में क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री थे। अगर साथियों वो क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री ना होते और उनके साथ जो सांसद थे वो दिल्ली में किसी ना किसी पार्टी का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन जब आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है देश के किसान पे, मजदूर पे, दुकानदार पे, तो साथियों क्षेत्रीय दल चाहे किसी भी प्रदेश का हो वो आपके साथ खड़ा होता है। और लेकिन साथियों चौधरी देवीलाल जी का जो दल था लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, देवीलाल जी ने तो एक बात कही थी, भाई मैं चाहे सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर रहूं मैं आपके साथ रहूंगा, गांव के किसान के शहरों के मजदूरों के साथ रहूंगा, और उस परंपरा को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निभाया।
हमारा एक विधायक था, कांग्रेस के 30-31 थे और भारतीय जनता पार्टी के 40 थे, आजाद 9 थे, एक हमारा था, 10 जेजेपी के थे। साथियों, किसी ने भी किसानों का साथ नहीं दिया और एक व्यक्ति ने किसानों का साथ दिया जो आपके सामने बैठे, जिसका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला। अब साथियों, आपका सच्चा साथी कौन है? आपकी कोई किसी ने सुनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समय में जब चुनाव हो रहा था, जनरल जेजेपी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी जमुना पार, और भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी 75 पार। साथियों, ना तो 75 पार भारतीय जनता पार्टी हुई, ना जमुना पार हुई, लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट आया, सरकार में शामिल हो गए। और साथियों, वोट कैसे मांगे थे चौधरी देवलाल जी के नाम से, और लेकिन सपोर्ट किसकी कही? भारतीय जनता पार्टी। साथियों, लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया, इसलिए उनका सुकड़ा साफ है। अब साथियों, इलाहाबाद का चुनाव आया, जब उसके अंदर आपके सामने है, हमारे से ज्यादा जानते हैं, कांटा कौन था? कांटे की पार्टी अलग थी, अरबपति है वो व्यक्ति। साथियों, पैसा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांती है, ये वर्कर को टिकट देती है, लेकिन उसने ढूंढ के लिया जो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्मगलर था, उसको टिकट दिया, और उसको टिकट देके उसकी सपोर्ट में कौन कौन थे? 40 MLA भारतीय जनता पार्टी, 10 MLA जेजेपी के, 9 MLA आजाद, और साथियों सारे के सारे उसके साथ सपोर्ट में खड़े थे। और कांग्रेस पार्टी का जो साथियों कैंडिडेट था, वो इसलिए इंतजार कर रहा था, हुड्डा साहब आएंगे, मेरी सपोर्ट करेंगे और मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन जब हुड्डा साहब वहां गए, साथियों, हुड्डा साहब ने सभा में क्या कहा? ये जो कांडा है ना, बीजेपी का कैंडिडेट, ये मेरा दोस्त है, ख्याल रख लियो इसका। तो साथियों, किसकी सपोर्ट करी? भारतीय जनता पार्टी की। अब साथियों, एक व्यक्ति सबसे लड़ रहा और उसने चुनाव दोबारा जीत कर फिर साथियों दोबारा फिर विधायक बना। अगर कहीं साथियों ये चुनाव हार जाता तो मोदी जी कहते ये कानून ठीक था, अबे चौटाला जी ने तो वैसे इस्तीफा दिया। और साथियों, जब ये चुनाव जीत के आया, सारे देश ने एक बात मान ली, ये कानून गलत है, और ये गलत साबित हुआ। आपके साथियों खेती की सुरक्षा हुई, किसने की? अभय सिंह चौटाला, एक व्यक्ति ने। 4216 विधायक सारे हिंदुस्तान के हैं, और साथियों 1809 से करीब साथियों संसद, राज्यसभा और लोकसभा के हैं, लेकिन किसी ने भी आपके साथ देने की बात, साथ का साथ देने की बात नहीं की। इसलिए साथियों, हमारा एक फर्ज बनता है, जो कठिनाई के टाइम में हमारा साथ दे, हमने उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आने वाले समय में साथियों, आप देख लीजिए, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं है, ना विधानसभा में ना सड़कों पे। हमारी पार्टी ने साथियों जनता का साथ देने के लिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बरकरार रखे, ये सरकार इसके लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की। साथियों, 24 फरवरी से पुनाणा से नू से, और साथियों वहां से शुरू करके ये जो यात्रा थी, ये 4200 किलोमीटर की थी। गर्मी थी, सर्दी थी, विपक्ष के लोग कहते थे कैसे चलेंगे पैदल, अरे चौटाला जी तो चल ही नहीं सकते, लेकिन साथियों ये यात्रा पूरी की, और गर्मी में पांव के छाले पड़े, गुंठे में नुकसान हुआ, पैर सड़ गए धूप के अंदर, बारिश के अंदर, किसके लिए की? साथियों, जनता के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। आपके गांव गांव गए, गली गली गए, मोहल्ले में गए, सबसे मिले, हजारों गांव के अंदर गए। तो साथियों, ये कोई छोटा काम नहीं था, इसलिए साथियों एक परिवर्तन यात्रा का साथियों पहला राउंड जो था वो अंबाड़ा क्रॉस करके पूरा हो गया, लेकिन 3 हलके कुरुक्षेत्र के बचे थे, 4 विधानसभा कैथल की। और साथियों, उस 25 सितंबर के बाद इस यात्रा को दोबारा से, अब ये रथ यात्रा है, अब इनको कुरुक्षेत्र कैथल को पूरा करने के बाद ये 90 विधानसभा के अंदर जाएगी। और साथियों, विपक्ष के तौर से
आपकी जो नीतियां चौधरी देवीलाल जी ने, चाहे पेंशन थे चाहे राशन कार्ड थे, उनके बारे में चौधरी साहब आपसे बात करेंगे। किसी का भी बाल बांका नहीं होने देंगे। और साथियों, जो इस सरकार ने नुकसान किया चौधरी साहब अपने मुख से कहेंगे, उसको पूरा करेंगे। इसलिए भाइयों, आज विपक्ष के अंदर केवल केवल एक नेता है जिसका नाम है चौटाला, उसके साथ खड़े हो जाओ आने वाले चुनाव में। जिसको भी टिकट दे उसको जिताके भेजिए। और साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी